दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रोपा का सीजन चल रहा है और रोपा के सीजन में हमारे यहाँ छोटे छोटे खेत होते हैं जहाँ पे बड़े ट्रैक्टर्स नहीं चलाए जा सकते हैं। तो इन छोटे ट्रैक्टर के लिए मैंने इस वर्ष एक मिनी पावर टिलर पावर वीडर खरीदा है और इसका उपयोग बहुत ही बुद्धिमानी के साथ किया जाता है। अगर नहीं करेंगे तो इसमें मिट्टी फंस जाएगी। और ये 7.5 HP का इंजन आपको चलाना है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा समझदारी के साथ इसका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ये ठीक से चल सके। नमस्कार, भोला राज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है रविवार और अभी रोपा खेत में हम लोग प्रस्थान करने जा रहे हैं, तो जल्दी से पावर टिलर को तैयार करते हैं और चलेंगे रोपा खेत में। तो ये पैडलर भी ले जाना पड़ेगा और वो जो हल जोतने वाला है उसको भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खेतों में घास है तो घास के लिए उसका उपयोग करते हैं, उसके बाद पैडलर से पैडलिंग करते हैं। चलिए अब चलते हैं, सारी तैयारी हो चुकी है और अभी इस प्रकार से इसको टोचन कर दिया। अब धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा, रास्ता भी बहुत ख़राब है, फिर भी ले चलते हैं धीरे धीरे। दोस्तों, अभी मेन रूट से हट के अब 25 रास्तों से जाना पड़ेगा और मुझे लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर जाना है। रास्ते बहुत ही ख़राब है क्योंकि ये खेतों के बीच से गया हुआ रास्ता है और कई जगह पर वाटर क्रॉसिंग भी है। तो जल्दी से हम लोग पहुँचते खेत पर और उसके बाद आज का जो क्रियाकलाप है वो शुरू करेंगे। कई खेतों में पानी होगा, आज की जुताई शुरू करेंगे। चलिए चलते हैं खेत पर। I just wanna be alone to feel free tonight. Told you so many times, the one on look back. Don't wipe in your heart. What I feel inside, it burns me out. चलिए, तो अभी पहुंच चुके हैं अपने खेत पर और अभी एक दो में पानी है, तो पहले पैडलर नहीं, सीधा हल लगाते हैं और चीर फाड़ करते हैं, उसके बाद पैडलर ले जाएंगे। हमारे यहाँ छोटे छोटे खेत होते हैं इसलिए बड़े ट्रैक्टर्स थोड़ी सी परेशानी करते हैं, तो वैसे के लिए ये जो मिनी पावर टिलर है बहुत ही अच्छा कारगर होता है। थोड़ी बुद्धिमानी के साथ जोते तो ये आराम से आपके एक दिन की जो रुपाई है लगभग 20 से 25 डिसमिल तक आसानी से कर सकते हैं। खेतों की जुताई के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि गीली मिट्टी होती है और जो इसके फल हैं उसमें अच्छी तरह से मिट्टी फंस जाती है, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन खेतों की जुताई कोने कोने तक हो जाती है, आसानी से हो जाती है, इसमें कोई परेशानी की सामना नहीं करना पड़ता है। अगर खेतों में घास है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, जब घास अटकते हैं तो थोड़ी निकालने में थोड़ी परेशानी है, लेकिन थोड़ी बुद्धिमानी के साथ इसको चलाएं तो इसकी भी समस्या का समाधान हो सकता है। तो अभी वर्षा शुरू हो चुकी है और उधर तीन खेत अभी कादू किए हुए हैं जहाँ अभी रुपाई चल रहा है और अभी यहाँ से लिया जाता है और दो तीन खेत की जुताई उधर भी है जिसको अभी फाइनल करने वाले हैं।
अभी जोर से वर्षा शुरू हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से जुताई करने के लिए। और कुल कादो जो आज है लगभग 50 से 60 डिसमिल एरिया में आज कादो हुआ है, जिसकी रुपाई चल भी रही है। अभी दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं, शाम हो चुका है, आज वर्षा हुई तो लगभग 6 खेत और 1 खेत की जुताई, 6 खेत की है जो कादो वो कंप्लीट किए हैं और 1 खेत की जुताई किए हैं, कल उसको कंप्लीट करेंगे। और अभी यहाँ बचा हुआ 5 खेत और है, एक ये है, ये सामने वाला, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, और एक ये 5 और बचा हुआ है। चलिए तो आज निकलते हैं अभी यहाँ से घर की ओर। सबसे पहले पेडलर को बदलते हैं और घर की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, देखते जरूर हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। वंदे मातरम, भारत माता की जय की साथ, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान।